अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अस्लान एंड यू आर वाचिंग ऑल राउंड जुगाड़। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक स्विच और दो सॉकेट वाला बोर्ड कैसे, उसकी वायरिंग कैसे करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक स्विच और एक सॉकेट वाली बताई थी, वो बहुत आसान थी, ये भी बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसका भी सेम प्रोसीजर है, बस तारें थोड़ी सी लंबी कर देनी है, यूँ समझ लो। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये वायर है 3 बत्तीस की, इससे मैं वायरिंग करूँगा। 3 बत्तीस से ही वायरिंग की जाती है। अब इसमें देखें, पहले हमने साइज़ कर लेना, इतना साइज़ का इसको छील लेना, ठीक है। तो छील लिया, और नट पहले हमेशा लूज़ करना होता है, नट मैंने पहले लूज़ करके रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ना, आप लोगों को देखने में भी आसानी हो। इसको अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे ताकि स्पार्किंग की गुंजाइश ना रहे। ये कर लिया, और देखें पहले मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे, ये मैं फेस का लूप दे दूंगा, समझो ये फेस का लूप है। नट टाइट कर लेता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं कसना कि तार टूट जाए, वरना तार टूट जाता है वो ज़्यादा कसता है तो, ठीक है। अब ये इसको यहाँ पे दे देंगे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में, ठीक है। ये इसमें लग गया, टाइट कर देंगे, ये हो गया टाइट। अब ये हो गया मेन, एक ये लूप ही देना होता है, बाकी तो दो तारें ही लगानी है। देखें अब यहाँ पे हमने लगाना है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का भी साइज करके मैं तार छील लूँगा। साइज कर लिया, इस साइज का मैं तार छील लूँगा, तार को छील कर अच्छा सा इसको राउंड कर लूँगा ताकि स्पार्किंग की गुंजाइश ना रहे। ये राउंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। ये ठीक है, अब इसको भी इसी तरफ से लगाएंगे, तार हमने इस तरफ से निकालनी है बाहर। ये लग गया, इसको भी टर्न कर लिया, इन दोनों को भी टाइट कर दूंगा। टाइट हो गया, इसको मैं साइज से काट लूंगा कितना बड़ा करना है मुझे, उनके मैं इसको डबल लिख करके काट लेता हूँ। दो वायर निकालनी है, निकट गया, वायर का काम खत्म। इसको भी छील लिया भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अपने आनी चाहिए, इसकी वजह से कितने पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और दूसरा ये है हुनर, हुनर कभी आपको भूखा नहीं सोने देता। पाकिस्तान के हालात कैसे आपको पता है, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हुनर सीखा करें, ठीक है। ये बोर्ड हमारा हो गया रेडी, अब इसकी वायर निकालने की जगह बना लेता हूँ मैं। जैसे इस वायर को हमने वायर करना, ये वैसे आरी की ब्लेड से काट के किया जाता है, हमारा तो चैनल का नाम ही जुगाड़ है, हम जुगाड़ से ही करेंगे। ये हो गया, ठीक है, वायर को यहाँ से कर लेंगे बाहर, ऐसे कर लिया बाहर, ये थोड़ा सा आउट है, ये यूँ आएगा, ठीक है गाइस। मैं पहले इसके नट लगा लूँ, नट जब भी खोलें तो नट को संभाल के रखें, नट बड़े खो जाते हैं, फिर मिलते भी नहीं है। दोनों नट मैंने लगा लिए, बोर्ड हो गया रेडी। तो इसको हम सीरीज पे टेस्ट करेंगे, ये ऑन है कि नहीं है। चलो भाई, अभी हो गया, ये तार छील ली, इसको मैं सीरीज लगाता हूँ, देखें सीरीज आपको पीछे रोशनी नज़र आएगी, सीरीज ऑन हो रहा है, ठीक है। तो सीरीज हमेशा सीरीज पे चेक क्या करो, ताकि कोई गलती हो तो मसला ना हो ना, ठीक है। अभी ये देखो मैंने लगा दिया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, बहुत ईजी है। दूसरे सॉकेट को भी चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई हाथी गोरे नहीं थे भाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तक ले अल्लाह हाफिज़।